राजस्थान के प्रतापगढ़ से खबर है, जहां एक व्यक्ति को अपने ही घर में सोते हुए पत्थर से वार करके मार दिया गया। दरअसल प्रतापगढ़ के पीपलखूट में सोते हुए चौकीदार के सीने पर पत्थर मारकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। चौकीदार हरफू मीणा रात में अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था। उस समय सलामुद्दीन नाम का युवक चुपचाप उसके घर में जाकर उसके सीने पर पत्थर से वार कर उसे मार देता है। इसके बाद चौकीदार जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी पत्नी और बच्चे जाग गए। तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया था। उसके बाद चौकीदार की पत्नी ने पुलिस को उसकी शिकायत दी। वहां पत्थर से किया गया वार इतना तेज था कि उससे चौकीदार हरफू की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया, जिसमें आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी सलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और प्रताप नगर पुलिस ने बताया कि अपनी पत्नी का चौकीदार के अवैध संबंध का उसे शक था, इसलिए उसने चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशे से ट्रक चालक है और उसकी पत्नी इसी चौकीदार के साथ मजदूरी करती थी। वह घर से कई दिनों तक बाहर रहता था। इसी बात को लेकर उसे संदेह था कि उसकी पत्नी के चौकीदार से अवैध संबंध है। पत्नी के पैर में चोट के कारण पिछले कई माह से काम पर भी नहीं जा पा रही थी। पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो सामने आया कि हत्या का आरोपी सलामुद्दीन ट्रक चालक है और हरफू के साथ पहले भी कई बार उसके झगड़े हो चुके हैं। तब से ही सलामुद्दीन ने उसे ठिकाने लगाने की ठान रखी थी। वहीं आरोपी सलामुद्दीन के खिलाफ भिलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाने में साल 2011 में भी लूट के दो मामले दर्ज हुए थे।